देखते हैं कि क्या ये निकल सकता था पूरा। अच्छा, ऐसी चीजें भी आई हैं जब हम निकाल रहे थे, लंबी लंबी सी स्पंज होल्डर दें हम, जो इज्जत और एहतराम से स्पंज होल्डर के साथ प्लेसेंटा निकालते हैं। क्योंकि हमारी सेक्शन नोजल ना यहाँ तक आती थी, जो ही हमने यहाँ तक आया उसने इतना ब्लीड किया। नहीं वैसे निकलना, एंडोमेट्रियल कैविटी देखो यहाँ तक तो अच्छी है, इस अच्छी एंडोमेट्रियम लग रही है ये यहाँ तक, लेकिन ये वाली नहीं है। और अभी यहाँ से ये मैडम होना ही नहीं था। अब ये देखो यहाँ पे सेपरेट नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगर मैं इसको करती भी हूँ, ये ओए ओए रहने दो, ये कोरियो है, कोरियो को कहीं टिश्यू वो नहीं मिलेगा बायोप्सी में। आप क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर डालते हैं वापस हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के लिए, ताकि हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को पता चले कि ये इसके अंदर है, ले आओ अभी बायोप्सी। ये अगर मैंने कर दिया ना, सस्पिशियस एरिया है ये फॉर। अब इसको ऊपर से दो स्टिच भी लगा दें, आज मुझे दो स्टिच दो इसको। डॉक्टर दिला से मैं बात कर लेती हूँ कि जिस एरिया को मैंने स्टिच किया हुआ है इसी को ही आप वो करें, माइक्रोस्कोपी में देखें कि यहाँ हमें लगता है पूरी हो। और